तो स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। और आज हमारा बना है प्लान कहीं घूमने जाने का। सुबह उठे हैं हम 9 बजे और बज रहे हैं 9:30। और खाना पीना खा के 10 बजे और यहाँ से निकलने वाले हैं हम। प्लेस बहुत तगड़ा है, वो बहुत मजा आएगा। स्विच कनेक्टेड तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। लड़के हैं जो तैयार हो गए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास जाते जाते पंचर क्या किया जाए जुगाड़ लहरा रहे हैं। तो गाइस गाड़ी का तेल नहीं खत्म हुआ है, गाड़ी बंद हो गई है और हम लोग गाड़ी पड़ चुकी है और हम लोग पता है खींचा टाइम लगे हैं बेटी चोर। तो हम लोग अब आ चुके हैं मिस्त्री के पास, यहाँ के डॉक्टर के पास और नियम के छाव के पास आराम कर रहे हैं। और कुछ है बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो गए हैं कि हम लोग पहुंच भी पाएंगे जगह या नहीं। सो बैठे हमारे साथ हमारे दर्शक हमारे भाई लोग और यही है वो डॉक्टर जो गाड़ी का अच्छा इलाज करते हैं। देख रहे कब तक इलाज कर पाएंगे। मुझे हो तो चाचा जैसी वरना ना हो तो बढ़िया है। गाइस गाड़ी बन गई है गाइस। बस 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 गाइस हम लोग फिर से अपने ओन द वे में हैं और हम फिर से जा रहे हैं। हार नहीं मानेंगे, गाड़ी खराब हो या पंचर हो प्रभु का नाम लेके आगे बढ़ चले हैं और हम ऐसे जाते जाएंगे। भाग भोपड़िया भी आई घर में खड़ी करना भाई। आखिरकार हम लोग आ चुके हैं, यहाँ से सफर है पैदल और हम पैदल पैदल अपने तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं। गांड फटे तो फटे ये मना। तो फाइनली हम बहुत तगड़ी सी प्लेस में आए हैं। इस प्लेस का मैं नाम नहीं बताऊंगा, मुझे इस वीडियो में 1K चाहिए 1K। मुझे खुद नहीं पता पहली बात तो ये, और दूसरी बात आप खुद सर्च करो, आप खुद सर्च करो पाओगे नहीं, पानी देख रहे पाओगे नहीं जाएगा तो फिर बचने के चांसेस उसके ना के बराबर है। क्या कहना चाहते हैं इस जगह के बारे में आप? पहले आप अपना नाम बताइए। शुभ नाम राजेश रावत। ये कैसी जगह है? ये जगह ठीक है, मस्त है, मजेदार है। डरिए नहीं डरिए नहीं। तो भैया से हमारी बातचीत हो गई है और हम उतरेंगे यहाँ से। काफी टफ रास्ता है ये, गाड़ फटे तो फटे लेकिन रास्ता ना घटे। और ये प्लेसेस बहुत तगड़े, तो ये ना बहुत तगड़ा और बहुत खतरनाक प्लेस है यार। करो गाड़ फट जाएगी समझ रहे हैं, महा कसम रे। ये सफर मेरी लाइफ का ना सबसे एडवेंचर फुल रहा है और ये शुरुआत है और अंत कहाँ होगा ये मैं नहीं जानता। ये काफी एडवेंचर से भरा हुआ है। यहाँ आना मतलब समझते हैं आप, इतना मजा है ना, इतना तगड़ा व्यू है इधर का। मौत के छुके टक्के से वापस आ जाना, जस्ट लाइक इट, बिल्कुल ऐसा ही। सो हम उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजर रहे हैं। भारत के सबसे घमासान जंगलों में कह सकते हैं कि ये अमेज़न के जंगलों जैसा है। कुछ नहीं, यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है और पीने ना पे पानी भी नहीं लेके आए पीने के लिए यार। दूर दूर तक तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ना पेड़ है केवल कूड़ा के अलावा। तो अब वक्त आ गया है क्या फटने का। ओ माय गॉड, अगर जिंदगी में यहाँ ना घूमा ना तो फिर क्या घूमा। और हम लगातार अपने रास्तों से नीचे उतरते हुए। अरे भाई साहब के लिए तैयार है आज हमारे लड़की, चलिए चलते हैं। चलिए मैं घुसा हूँ यहाँ भीतर के जंगलों में। अबे भैया अब यहाँ चल के दिखाओ। व्हाट द फक, चल चल के दिखा। अरे चलेंगे ही, आप लोग देख सकते हैं ये काफी डरावना और काफी, आप लोग देख सकते हैं मैं दोबारा कभी नहीं आऊँ, कहाँ पकड़ता हूँ जिंदगी में नहीं आता मैं। गलती से आगे आप लोग देख सकते हैं कैसा भी हुए यहाँ। दादी दादी ज्यादा आगे नहीं जाना, गांड फटी जय बजरंग बली। गाइस अगर मैं यहाँ जाके और वापस आके अगर पहुँचा ना तो मैं आपको वीडियो जरूर दिखाऊंगा। मम्मी रे अगर यहाँ एक चट्टान भी स्लिप हुई ना तो तुम्हारी ऐसी तैसी, समझ रहे हो, सब सुहा हो जाएगा, गांड में घुस जाएगी वीडियो बनाने। तो जो कैसे हम ऊपर से नीचे आए हैं और कैसे नीचे से ऊपर जाएंगे देख सकते हो। पसीने में तल पसीना ऐसे चूरा जैसे पता है, गांड फट रही है, मार्क्स बहुत गांड फट रही है। पहली बार मैं ऐसी जगह आया हूँ, यहाँ का व्यू देखो यार कितना प्यारा व्यू है। पीछे रहो भाई, को पकड़ कर रहता ये, इसका सपोर्ट लेना, मोबाइल रख देना है, मोबाइल सामने वाले को देना जो नीचे चला गया। हे गाइस आप देख सकते हैं उतर रहे हैं हमारे मेन यूट्यूबर जिनके अभी 2 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं
अब होने वाले देखिए देखिए इनकी फट रही है अगर यहाँ से गिरेंगे तो आप देख सकते हैं कहाँ जाएंगे फिर इनके सुकून हमारे लेक्चर दे रहे हैं थोड़ा सुकून थोड़ा इधर दादे उधर चुके हैं। सफर बहुत बड़ा है और इरादे उससे भी ज्यादा मजबूत से खतरनाक एडवेंचर मेरी जिंदगी में पता है कुछ भी नहीं होगा पता मैं यहाँ हूँ काफी कठिनाई भरे रास्ते में चार एक ईंट के बराबर पीएम के यहाँ लेके आए यहाँ से नीचे जाना है हमें और मैं आपको बता दूं कि हम काफी नीचे आ गए हैं जब कम से कम हम नॉर्मल जमीन से 100 फीट नीचे 150 फीट समथिंग होगा 200 होगा ना अभी चलते चलते 1 किलोमीटर हो जाएगी चलते चलते हो जाएगा कम से कम 500-600 मीटर हो जाएगा यहाँ कुछ भी मिल सकता है मैं फेक नहीं कर रहा हूँ पूरा रियल है फाइनली हमने आधा रास्ता तय किया अभी बहुत मुश्किल से यहाँ तक आने के लिए ना बहुत डिफिकल्ट करना पड़ रहा है हम लोग अभी यहाँ से झूल के आए हैं वहाँ से आए हैं बताओ है फोन में डाटा चल रहा है यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं होगा मेरे हिसाब से माँ कसम भाई पैर थथरा रहे हैं आज के सोए महीनों नहीं उठोगे चल 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 रुकना अभी नहीं पहुंचे पहुंचने वाले हैं मतलब घाट फटे तो फटे हौसला ना घटे दादा ने देखी दादा देखी बहुत पैर पैर बहुत खतरा रहे हैं लग रहा है कि गिर गिर जाएं अभी हम नीचे आए हैं और हमें वहाँ ऊपर जाना है अभी हम लोग वहाँ से आए हैं नीचे झूलते झूलते बहुत गंदा वहाँ से काफी तरह कुछ भी करके हम यहाँ आए पता है आप लोग देख सकते हैं अगर ये वीडियो ना आप लोगों ने शेयर नहीं किया ना यार थोड़ी स्मेल आ रही है तो पता नहीं किसकी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा इतनी मेहनत करने का अभी से 500 मीटर दूरी है हम लोग प्लीज केवल 2 शेयर एक बंदा केवल 2 शेयर करे ओह मदर चूड़ पैर मुड़ गया अरे देख के दादे यार इनके चोट लग चुकी आते आते आप देख सकते हैं ये यहाँ पास बहुत गंदी आपके चक्कर में सलाई चलता है अगर यहाँ नहीं आया तो फिर क्या किया जिंदगी में अगर ये नहीं किया तो फाइनली हम जहाँ आना चाहते थे वहाँ नीचे आ चुके हैं और यहाँ हमें पानी मिल चुका है झरना है अरे पंचो मैं काफी ज्यादा थकिलास्त हो चुका हूँ क्योंकि हम लगातार 2.5 किलोमीटर चल रहे हैं और ढलान में उतरना काफी टफ हो जाता है थाइस आपकी जाम हो जाती है पीने का पानी आप अपने साथ लेके जब नहीं आए हो तो फिर ओ भाई पहले मैं पानी पीऊंगा अब ये है सिग्मा मेल और ये हमारे 3 नमूने ये यहाँ पास बैठे हुए हैं जो स्टीम की गाल फट के हाथ में आ गए थे थोड़ा धीरे से पहन रहे रास्ता जंगलों से होता हुआ और हम जंगलों में होते हुए अपने सफर की ओर बढ़ रहे हैं हेलो कहाँ से तो फाइनली हम वहां पहुंचे हैं जहां हम सुंदरम आना चाहते थे कूदा ना और ये लड़के तैयार हो गए पोजीशन नाउ गो और कुछ दिखाता हूँ आपको बहुत बेहतरीन सा ये देखिए एक वो देखिए एक ये देखिए एक ये देखिए और इसकी बाइक चल रेडी गो सो एक कंपटीशन हो रहा है कि कौन पानी के नीचे तक जाके थाय लेके आएगा गांव वाले जान पाएंगे थाय का मतलब जो जमीन छू के आएगा और ये अभय चाचा मेन और सुंदरम गो सुंदरम गो हाँ अब राज की बारी है राज गो मुझे बहुत डर लगता है पानी से मैं ऊपर ऊपर नहा के खुश हूँ जैसे लाइक आप ऐसे देखो गाइस पानी है और ये मैं हूँ और मैं नहा रहा हूँ गाइस अभी हमारे प्रिय प्रिय महाप्रिय महाजन प्रभु महोदय अभी कूदने वाले हैं हालांकि इसे बंधा नहीं ना सुखिए हैं और ये हमारे सुकुल हुए भैया एक गो सुकुल गो शेखर गो तो गाइस लगता है मैं भी कूद जाऊं ऐसे दिखाते भी ऐसे कर दो लगता
मगर नहीं करूंगा। चलिए ठीक है। काफी साहस के बाद मैंने किस तरफ पार किया था वहां तक, और काफी साहस के बाद मैं यहां तक आया हूं। थक गया हूं। और ये सब आ रहे हैं। बोले कौन कौन बोले? ठीक है, यहाँ आवाज लौट के वापस आती है। और हम अपने साथ अपने भोले भंडारी को लेके आए हैं, लेके जाएंगे, लेके आए कहाँ से? वहां से मिलेंगे छोटे ब्रेक के बाद ब्लॉग में, इसके एक महीने बाद। कितना खूबसूरत है ये नजारा, जस्ट लुक एट इट। सो फाइनली अब हमारी बारी है जाने की, और अब हम चढ़ रहे हैं कुछ खतरनाक रास्ते पर, हम जा रहे हैं यहाँ से। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी ये बीच है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम दुर्वार्धमे वंदनम मृत्युमोचये माम मृदा। फाइनली अब हम नहा के एंजॉय करके ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ऊपर जाने का सफर आसान नहीं होगा, देखना है कि कोई दिक्कत ना हो, हम सेफली ऊपर पहुंच जाएं। तो असली सफर अब शुरू होता है, और हमें चढ़ना बहुत ज्यादा है। ये हम रास्ते में हैं और हमें वहां ऊपर जाना है ऊपर, और अब मुश्किलें बहुत ज्यादा हो जाएं क्योंकि चढ़ाई है यहाँ पे, और हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रख के चढ़ना होगा। मुझे औकात समझ में आ रही है कि मैं फिट नहीं हूँ, असली चैलेंज तो चढ़ना है, उतरना आसान होता है। यार समझ में आ रहा कि वैल्यू क्या। जब बत्ती सी दिखा रहा है ससुरा। कभी नहीं आऊंगा। क्या करोगे? कभी नहीं आऊंगा। चल के चलो, एक पूरी सांस भरा कर पूरी। ए चक्कर आ रहा है, उसको रुक जाओ। राखी कर हम काफी टफ था, हम सब यहाँ बैठ के आराम कर रहे हैं। तो फाइनली हमने 80% चढ़ाई कंप्लीट कर ली है, और हम वहां थे, वो जो पत्थर दिख रहा है आपको वहां थे, वहां चढ़ते 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 कम से कम 1 किलोमीटर है ये, 500 मीटर तो ऐसे है सालन चढ़ने उतरने में। बहुत गहरे में गए थे हम, हमने नहाया, हमने एंजॉय किया। जानता हूँ आपको कितनी दिक्कतें आई है। गांड फटी पड़ी है इनकी, आपकी फटी है, मेरी फटी खुल गई। हां अभी कुछ नहीं, और हमने आधा रास्ता कवर किया है यहाँ से कुछ ऐसे। अब बारी है जाने की यहाँ से, सो एक तो जा रहा है, अब बारी ऐसे लगातार दूसरे लोगों की भी आएगी। सो हम वहां से तो चढ़ आए, और इस वीडियो को पता है आप ज्यादा से ज्यादा देखें, आज सबको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कुछ तरीका है भीख मांगने का, और ऐसी प्लेस के बारे में आपको जानना है ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मुझे भी जाना है, और ये प्लेस बहुत तगड़ी है। और हम लगातार चढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कब तक चढ़ पाएंगे हमें पता नहीं, और थकान इतनी ज्यादा है कि कुछ पूछिए। चल चल के दिखा यहाँ, चल चल के दिखा। तो फाइनली हम ऊपर पहुंच चुके हैं, और हमारा ये ब्लॉग यहीं तक, अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। और हाँ, वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। कमेंट करो ये जगह कैसी है, और इस जगह के बारे में आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन बाद में जरूर बताऊंगा। ये काफी एडवेंचर भरा रहा है, ये आरंभ है मेरा लेकिन अंत नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट के लिए, मुझे यहां तक देखेंगे। लव यू गाइस।